व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खतरनाक क्रिएशन। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम मर्जाबा मूवी कॉन्सेप्ट फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये जो फोटो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये मैंने कल ही इंस्टाग्राम पे अपलोड किया था एंड काफ़ी लोगों के कमेंट आए कि आपने इतना रियलिस्टिक वर्क कैसे किया एंड इसमें रिमलाइट इफेक्ट जो ऐड किया है वो कैसे किया। सो गाइस, फुल ट्यूटोरियल इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक वीडियो को देखते रहना एंड अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइस जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस टाइप का पोज दे दो, वो फोटो को क्लिक कराना है एंड फोटो जो आप क्लिक करा रहे हो ना वो आपको ब्लैक स्क्रीन पर क्लिक कराना है। एंड गाइस, फोटो को जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको। इसको जब आप कटिंग करोगे आपकी एडिटिंग होगी ही नहीं, एक बार मैं करके दिखा देता हूँ आपको कैसे फोटो का एडिट करना है, वो भी आपको बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने पिक्सल प्रो एप्लीकेशन में बैकग्राउंड ओपन कर लिया है एंड इफेक्ट वाले ऑप्शन पर जाकर इंसर्ट पिक्चर में मैं जाऊँगा, अपना फोटो ऐड करके दिखाऊँगा। सबसे पहले गाइस, हेयर्स कटिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लोगों को आती है, ये सारा सॉल्व करने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। सो जब आप फोटो को ऐड करोगे यहाँ से ब्लैक स्क्रीन पर क्लिक करके, सो आप कटिंग कर ही नहीं पाओगे गाइस, मतलब एक एक बाल की कटिंग आप यहाँ से कर ही नहीं पाओगे एंड परफेक्टली आपको फोटो भी नहीं लगेगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले स्नैपसीड एप्लीकेशन ओपन कर लेना है, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है एंड जो भी फोटो की आप एडिटिंग कर रहे हो ना उस फोटो को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है सिंपल। अब गाइज, मैं आपको बताऊँगा कैसे आपको फोटो को एडिट करना है जिससे एकदम परफेक्टली एडिट हो पाए। तो सबसे पहले तो आपको पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है, ट्यून इमेज पे पहले ही ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा देना है एंड आपको कुछ भी नहीं करना है, डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर गाइस, आपको पेंसिल वाले आइकन पर जाना है, फिर आपको ट्यून इमेज पर जाना है। ट्यून इमेज पर जाने के बाद सिंपल आपको कुछ भी नहीं करना, फोटो को थोड़ा सा जूम करना है, देन आपको ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ाना है एंड यहाँ पे हाईलाइट का ऑप्शन मिलेगा, इसको फुल 100% कर देना है एंड स्क्रॉल डाउन करके आपको यहाँ से बॉर्न्स का ऑप्शन मिलेगा, इस वाले ऑप्शन को आपको माइनस की साइड ले जाना है जिससे ब्लू टोन आए जिससे फोटो में, ठीक है। तो सिंपल गाइज, आपको -20 के आसपास इसको रख लेना है, देन आपको यहाँ से डन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर गाइज, आपको ऊपर वाला ऑप्शन मिलेगा ये वाला, इस पर क्लिक करना है, व्यू एडिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सिंपल ट्यून इमेज पे आ जाना है, ठीक है। इसकी ओपेसिटी को आपको सिंपल 100 रखना है, देन आपको इस साइड बाहर की साइड आपको ड्रॉ कर देना है जिस साइड गाइज आपको कटिंग करना है मतलब, एंड ऊपर आपको एक्स्ट्रा ही करना है जिससे रिमलाइट इफेक्ट भी ऐड हो जाए। तो हेयर्स पे रिमलाइट इफेक्ट भी ऐड हो चुका है, देख सकते हो गाइज। तो सिंपल गाइज, आपको यहाँ से बैक आ जाना है। अब गाइज, आपको करना क्या है, फिर से ट्यून इमेज पे आके इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, देन आपको डन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब गाइज, हम डिटेल ऐड करेंगे हेयर्स पे, तो उसके लिए आपको जाना है पेंसिल वाले आइकन पर, फिर आपको डिटेल का ऑप्शन मिलेगा सेकंड, इस वाला ऑप्शन पर जाना है, इसकी ओपेसिटी को 70 के आसपास रखना है। तो यहाँ से फोटो पूरा बेकार हो चुका है, तो सिंपल आपको कुछ भी नहीं करना, ऊपर वाला ऑप्शन पर जाना है, व्यू एडिट पर आना है, देन आपको डिटेल वाला ऑप्शन पर जाना है, सारा रिमूव हो जाएगा एंड इसकी ओपेसिटी को 100 रख के सिंपल आपको अपने हेयर्स पे ही ड्रॉ कर देना है। सो इससे होगा क्या, आपके हेयर्स पे डिटेल आ जाएगी, काफ़ी अमेजिंग यहाँ से आपका फोटो लगेगा। तो बिफोर एंड आफ्टर दिखा देता हूँ, हेयर्स पे बहुत अच्छी डिटेल आ चुकी है। अब गाइस, पूरे फोटो में डिटेल लाना है, उसके लिए डिटेल वाला ऑप्शन पर आना है, थोड़ा सा इसके डिटेल को बढ़ा देना है, देन आपको डन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है गाइस। अब गाइस, हम बात आती है इसको फेस को थोड़ा सा वर्क करना है, मतलब फेस को स्मूथ करेंगे। तो सबसे पहले तो हम आएंगे पेंसिल वाले आइकन पर, हीलिंग वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, देन आपको फोटो को जूम करना है, जहाँ पे भी आपके फेस पर पिंपल हैं उस पर सिंपल आपको इसको ड्रॉ कर देना है। सो जो पिंपल्स हैं वो सारे रिमूव हो जाएंगे, तो सिंपल आपको कुछ भी नहीं करना है, ऐसे डन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब गाइस, हम करेंगे फेस को स्मूथ, ठीक है। तो फेस स्मूथ करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ से सबसे पहले तो पेंसिल वाले आइकन पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, लेंस ब्लर का ऑप्शन मिलेगा, इस बार ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद इसको उठा के आपको नीचे की साइड कर देना है एंड आपको बिगनेट आपको फुल माइनस कर देना है एंड ब्लर आपको 30 ही रखना है। देन आपको ऊपर वाला ऑप्शन मिलेगा, इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, व्यू एडिट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको लेंस ब्लर पर चले जाना है, लेंस ब्लर पर जाने के बाद सिंपल आपको कुछ भी नहीं करना, फोटो को जूम करना है एंड इसकी ओपेसिटी को 50 रखना है एंड अपने फेस पर ड्रॉ कर देना है। सो गाइस, देख सकते हो जो हमने फोटो पे जितना वर्क करना था हमें वो हमने कर लिया है एंड फेस भी स्मूथ कर लिया है, ठीक है। अब आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ से फोटो को सेव कर लेना है गाइस। फोटो को सेव करने के बाद आपको अपने फोटो का कटआउट कर लेना है, तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है एंड फोटो को आप जूम करके देख सकते हो गाइस, फोटो में ब्राइटनेस भी और ज़्यादा ऐड है। तो आपको कैसे करना है वो भी आपको बता दूंगा। तो यहाँ से पिक्सल प्रो एप्लीकेशन ओपन करना है, गेट ए पिक्चर पर आपको क्लिक कर देना है, उसके बाद थर्ड नंबर पर इंपोर्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके आपको बैकग्राउंड को सबसे पहले ओपन कर लेना है। सो गाइस, बैकग्राउंड कैसा भी हो, हाई क्वालिटी का आपको कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ से आपको इंटरफेस ऐसा देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले हम जाएंगे एडजस्ट वाला ऑप्शन पर, पहले ही ऑप्शन पे यहाँ से क्रॉप वाला ऑप्शन पर जाएंगे, देन यहाँ से फोटो को क्रॉप कर लेंगे, तो स्क्वायर टाइप क्रॉप करेंगे जिससे हमारा फोटो छोटा ही है। सो अब हम करेंगे एडिटिंग,
तो उसके लिए आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन पर जाना है, इंसर्ट पिक्चर पर जाना है। तो सबसे पहले तो आपको बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है गाइस। तो बैकग्राउंड जब आप सिलेक्ट करोगे ऑटोमेटिक आपका बैकग्राउंड पर ऐड हो जाएगा। सो बैकग्राउंड की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगी गाइस, उसके लिए आपको मेरा खुद का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा खतरनाक नवाब बैकग्राउंड, लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड प्ले स्टोर पर भी इजीली मिल जाएगा, वहां जाके आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद गाइस आपको सेकंड नंबर इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर गाइस आपको इंसर्ट पिक्चर पे आना है, देन आपको अपने फोटो कटआउट किया था उसको सिलेक्ट कर लेना है। सो गाइस मैं एक बार बता देता हूँ आपको कैसे ब्राइटनेस ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली मैं क्रॉप कर लेता हूँ, डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके कैसा भी यहाँ से सबसे पहले एडजस्ट कर देता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, फिर इफेक्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, इस वाला ऑप्शन पे जाना है, एक्सपोजर कंट्रास्ट वाला ऑप्शन पर जाकर इसके एक्सपोजर को गाइस आपको बाद में भी बढ़ा सकते हैं जिससे लाइट आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से मैं सिंपल बैक आऊँगा एंड ट्रांसफॉर्म कर लूँगा अपना फोटो, तो आपको पता ही लग गया होगा गाइस कैसे आपको ब्राइटनेस ऐड करना है अपने फेस पर। तो यहाँ से सिंपली आपको अपने फोटो को बैकग्राउंड पर एडजस्ट कर देना है। तो मेरा परफेक्टली हो चुका है, बट हेयर्स जो है वो परफेक्टली नहीं है। तो इरेजर टूल सेलेक्ट है, इसको सिलेक्ट करना है, इसकी जो इस साइज जो है फुल ही रखना है सबसे पहले, तो जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको इरेज कर देना गाइस। उसके बाद हेयर्स की एक एक बाल की कटिंग करना है, उसके लिए आपको करना क्या होगा, इरेजर टूल की आपको स्ट्रेंथ को फुल रखना ही है। एंड यहाँ से जब आप हेयर्स की कटिंग करो तो आपको स्ट्रेंथ 30 के आसपास रखना गाइस, ठीक है। एंड 20 भी रख सकते हो गाइस, तो मैं 30 के आसपास ही रखूँगा। 20 रखने से होगा क्या गाइस, आपको हार्डली वर्क करना पड़ेगा, तो मैंने सिंपली इसको 30 रख लिया है। एंड आपको सिंपली बहुत हल्के हल्के इसको यहाँ से इरेज कर देना है। सो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी गाइस, एक एक बाल की कटिंग करना है, तो बहुत ईजी हो जाएगा जो मैं आपको बताया था स्नैपसीड का यूज़ करके। सो देख सकते हो बिल्कुल परफेक्टली हमने इस पर वर्क कर लिया है एंड बिल्कुल परफेक्टली कटिंग हो चुकी है। अब गाइज आपको करना क्या है, यहाँ से इफेक्ट वाला ऑप्शन पर जाएंगे सबसे पहले हम, एंड पेंट वाला ऑप्शन पर जाएंगे सबसे ऊपर। पेंट वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको एक लोगो लग रहा है, लोगो इसको रिमूव करेंगे। तो सिंपल यहाँ से कलर वाला ऑप्शन पर जाना है, पेंसिल आपको सिलेक्ट करके सिंपल कलर पिक कर लेना है एंड ईजिली आपको इसको ड्रॉ कर देना है। सो ये सारा लोगो आपको रिमूव हो जाएगा। अब गाइज आपको इफेक्ट वाला ऑप्शन पर जाना है, इंसर्ट पिक्चर पर जाना है। इंसर्ट पिक्चर पर जाने के बाद आपको ये वाला पीएनजी मिलेगा, इसको सिंपल आपको सिलेक्ट कर लेना है अपनी जैकेट पर। तो सिंपली डन वाला ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे एंड अपनी जैकेट के इस टाइप आपको ऐड कर देना है। अब गाइस आपको इफेक्ट वाला ऑप्शन पर जाना है, फिर से यहाँ से आपको शेडो क्रिएट करेंगे सबसे पहले, तो एडजस्ट वाला ऑप्शन पर जाएंगे, लास्ट में पेंट मास्क सिलेक्शन पर जाएंगे, ठीक है। इस पर जाने के बाद आपको फोटो को जूम करना है एंड जहाँ पर भी आपको लगता है शेडो क्रिएट होनी चाहिए वहीं पर ही आपको सिंपली इसको ड्रॉ कर देना है। उसके बाद आपको इरेजर टूल सेलेक्ट करना है, इसकी स्ट्रेंथ तो 30 के आसपास रखना है, ठीक है। स्ट्रेंथ को 30 के आसपास रखने के बाद नीचे का जो पार्ट है वो आपको सिंपल इरेज कर देना है इस टाइप से, जैसे कि गाइस मैं कर रहा हूँ। उसके बाद एरो वाला ऑप्शन पर जाके एक्सपोजर कंट्रास्ट पर जाके इसके एक्सपोजर को फुल माइनस कर देना है। सो जब आप प्लस करोगे तो यहाँ से लाइट आ जाएगी, तो माइनस करोगे ऑटोमेटिक शेडो क्रिएट हो जाएगी। अब गाइस थोड़ी सी हम रेन इफेक्ट डालेंगे, तो उसके लिए आपको जाना है इफेक्ट वाला ऑप्शन पर, इंसर्ट पिक्चर पर जाना है, देन आपको ये वाला पीएनजी है इसको सिलेक्ट करना है एंड आपको अपने फेस के नीचे रखना होगा ये वाला पीएनजी। तो सिंपली हम डन वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड अपने फेस के नीचे इसको एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद डन वाला ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, फिर गाइस आपको ब्लेंड मोड पे जाके इसको ऐड कर देना है, तो ये लाइट ऑन हो जाएगा एंड ईजिली आपको ये वाला पार्ट जो है इरेज कर देना है। सो ये हमने पीएनजी ऐड कर ली है। अब गाइस आपको रेन पीएनजी ऐड करना है, रेन ड्रॉप्स, तो उसके लिए आपको इफेक्ट वाला ऑप्शन पर जाना है, फिर गाइस आपको जाना है इंसर्ट पिक्चर पर एंड रेन ड्रॉप्स की पीएनजी जब आप ऐड करोगे गाइस तो उसकी ओपेसिटी को आपको 100 नहीं रखना है, ठीक है, आपको 50 के आसपास ही रखना है। तो सिंपल हम इसको एडजस्ट करेंगे, देन इसके ओपेसिटी को 50-60 रखेंगे, देन डन वाला ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे, फेस पे आ रही है थोड़ी सी ही आपको यहाँ से इस टाइप इरेज कर देना है, देन आपको डन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर गाइस आपको इफेक्ट वाला ऑप्शन पर जाना है, इंसर्ट पिक्चर पर जाने के बाद इसको ऐड कर देना है। सो मैं आपको बता दूंगा इस पीएनजी आपको यहाँ से इस टाइप से ही ऐड करना है। एंड गाइस आप वीडियो को फुल वॉच करना, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा लाइटरूम एप्लीकेशन की, जिससे आप अपने फोटो को बहुत ही ईजिली रियलिस्टिक एडिट कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ से सारी पीएनजी हमने जो है वो क्रिएट कर ली है, अब हम सिंपली डन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है, ठीक है गाइस। अब गाइज आपको करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये पार्ट है, इसको हम जाएंगे पेंट्स वाले ऑप्शन पे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है, कलर पिक करना है, सारा ये ड्रॉ कर देना है, ठीक है। अब गाइज आपको यहाँ से डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है गाइज। इस पर क्लिक करने के बाद अब हम करेंगे गाइज ऊपर जो पट्टी है रेड कलर की, बहुत ज़्यादा लाइटन है, तो हम जाएंगे एडजस्ट वाले ऑप्शन पर, लास्ट में हम जाएंगे पेंट मास्क सिलेक्शन पर एंड जो भी पट्टी हम लगाए हुए हैं इसको सिंपली ड्रॉ कर देंगे इस पर ही। ड्रॉ करने के बाद आपको एरो वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको सेचुरेशन को थोड़ा सा माइनस कर देना है जिससे ये रियलिस्टिक भी लगेगा। मैं आपको बता देता हूँ, देख सकते हो गाइस कितना ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है।
सो एडिटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है बट हेयर्स मैच नहीं है, तो मैच करेंगे हम लाइट रूम एप्लीकेशन में। तो एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके फोटो को लाइट रूम एप्लीकेशन में हम ओपन कर लेंगे। उसके बाद सिंपली गाइस आपको लाइट रूम एप्लीकेशन ओपन करना है, इंटरफेस आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो ऑल फोटोज पे जाना है, देन आपको अपने फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। फोटो को सिलेक्ट करने के बाद अब हम करने वाले हैं एडिटिंग, जिससे हमारा फोटो बिल्कुल मैच करेगा। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ही ऑप्शन है सबसे ऊपर सिलेक्टिव, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद प्लस वाले आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रेडियल ग्रेडियंट का, इसको पिक करके आपको अपने हेयर्स पर पिक कर लेना है। उसके बाद आपको सबसे पहले करना है क्या है, इस लाइट वाला ऑप्शन पर जाना है, एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ा देना है, ठीक है। इसको बढ़ाने के बाद अब आपको यहाँ से टेम्परेचर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो टेम्परेचर ऑलरेडी हमारे फोटो में बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम माइनस साइड ही ले जाएंगे। देन टिंट को हम माइनस करेंगे, थोड़ा सा लाइट एंड ब्लू कलर आ जाए। तो देख सकते हो लाइट एंड हमने बहुत अच्छी यहाँ से ऐड कर ली है, देख सकते हो काफ़ी रियलिस्टिक लगा है हेयर्स को करने से। तो सबसे पहले आपको एक्सपोजर को बढ़ा देना है, उसके बाद आपको हाईलाइट को बढ़ाना है, कंट्रास्ट को थोड़ा सा कम करना है, देन शेडो को आपको छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी, वाइट को थोड़ा सा बढ़ाना है, देन आपको लास्ट में ब्लैक का ऑप्शन मिलेगा जिससे हमारा फोटो लाइट हो जाएगा, तो इसको भी हम बढ़ाएंगे। तो बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो काफ़ी अच्छी लाइट आ चुकी है हमारे फोटो में। अब गाइस आपको टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाना है, ठीक है। एंड टिंट का ऑप्शन है, इसको माइनस करना है थोड़ा सा। उसके बाद आपको वाइब्रेंस को बढ़ा लेना है एंड सेचुरेशन को आपको माइनस करना है। तो उसके बाद आपको कलर करेक्शन वाला ऑप्शन पे जाना है। कलर मिक्सर वाला ऑप्शन पे जाने के बाद फर्स्ट कलर के आपको ह्यू को थोड़ा सा बढ़ाना है, सेचुरेशन को माइनस साइड ले जाना है। सेकंड कलर सेलेक्ट करना है, इसकी ह्यू को बढ़ाना नहीं है गाइस, आपको माइनस के साइड ले जाना है जिससे पिंक टोन आ जाए हमारे फेस पर। उसके बाद आपको दे सकते हो यहाँ से सेचुरेशन को भी माइनस ले जाना है। उसके बाद हमारे फोटो में कलर क्या है, ब्लू। तो सबसे पहले आपको ग्रीन कलर सेलेक्ट करके इसकी सेचुरेशन फुल माइनस कर देनी है। उसके बाद आपको ब्लू कलर सेलेक्ट करना है एंड ह्यू को थोड़ा सा कम करना है, काफ़ी अमेजिंग कलर आ रहा है हमारे फोटो में देख सकते हो, एंड सेचुरेशन को भी माइनस की साइड ले जाना है। उसके बाद लाइट ऑन वाली ब्लू कलर की भी ह्यू को कम करना है, सेचुरेशन को माइनस की साइड ले जाना है। देन आपको डन वाला ऑप्शन पे ऐसे क्लिक कर देना है। उसके बाद कलर ग्रेडिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, शेडो पे क्लिक करना है गाइस, सेचुरेशन को 10 के आसपास रखना है। देन आपको ह्यू जो है वो आपको ब्लू कलर पे पिक कर देना है, सिंपल। एंड देख सकते हो कलर पूरे फोटो में हमारे शेडो में आ चुका है एक ही ब्लू टोन, ठीक है। तो यहाँ से डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, नीचे वाले टूल सेलेक्ट करना है। टेक्सचर हमारे फोटो में ऑलरेडी है तो थोड़ा ही बढ़ाएंगे, एंड क्लियरिटी को भी आपको थोड़ा सा बढ़ाना है, डीएच को नहीं बढ़ाना है गाइस, बिगनेट को कम कर देना है सिंपल, जिससे हमारा फोटो चारों तरफ से डार्क हो जाए। उसके बाद आपको नीचे वाले टूल सेलेक्ट करना है, शार्पनिंग को बढ़ा देना है, डिटेल को फुल माइनस, ठीक है गाइस। तो यहाँ से आप फोटो को जूम करोगे तो शार्पनिंग आपके फोटो पे बहुत अच्छी ऐड हो चुकी है। एंड यहाँ से बिफोर एंड आफ्टर दिखा देता हूँ, कलर ग्रेडिंग हमने बहुत ही प्रोफेशनल की है। सो मर जाओ फूटी, फोटो एडिटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है गाइस। तो आपको कैसी लगी ये गाइस आप कमेंट करके ज़रूर बताना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।